गोगा देव को राजस्थान में लोकदेव माना जाता है, उन्हें जहाबरी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि लोक मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार सांपों के देवता के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन नाग देवता की भी पूजा होती है। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए जबलपुर शहर के सदर क्षेत्र में 3 निशान निकाले गए, जिसमें समस्त वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसे लेकर न्यूज़आर ने अध्यक्ष रूप किशोर वाल्मीकि से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। नमस्कार, इस वक्त हम जबलपुर के सदर क्षेत्र पर हैं, जहां पर विशाल वाल्मीकि समाज द्वारा विशाल कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर गोगा पीठ महाराज के निशान निकल रहे हैं। किस तरीके से ये निशान निकलते हैं और क्या महत्वता है, हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। किशोर जी, आपका स्वागत है। जी बताएं, निशान निकलता है। एक्चुअल में 6 साल से जबलपुर में निशान साल गोगा पीठ उनकी याद में निशान छड़ियों का ये कार्यक्रम रखा जाता है। और ये वाल्मीकि समाज के सबसे बड़ी विशेषता है कि वाल्मीकि समाज के लोग ये रखते हैं। 3 निशान साहब जो है 6 साल से जबलपुर में रखे जा रहे हैं और ये नागपंचमी में रखे जा रहे हैं। और इनके लगभग 10-12 दिन तक पूजा होती है। गर्मियों के दिन ही सदन पेंटी नगर से इनका जरूर चल समारोह निकलता है और काली माई मंदिर देते हुए अस्पताल में इनका विसर्जन होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की मनोकामना लेके आ रहा तो अगर आपने अपने तरफ से यदि अगर एक समय दे दिया कि इतने समय के अंदर बाबा अगर ये मांग पूरी होती है तो मैं तेरे दरबार में आऊँगा, तो वो समय जो होता है तो उसी समय के अंदर मांग होता रहे। इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है अपने राजस्थान में, जिसको बाबर कहते हैं। परेशानियाँ ऐसी कुछ आती ही नहीं है, क्योंकि संस्कार दानी का नाम है और नाम से ही जाना जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह के लिए।